कि जो इस तरह बुजुर्ग एक सफेद दाढ़ी पोश सफेद पोश शख्स को घर से भेजते हैं। ला 4 साल हो गए मैंने छोड़ दिया बच्चे ने, नहीं मेरा ख्याल करते, नहीं मैंने पूछते, नहीं दसते जी घर जाना तो नहीं, मैं लाल लोट पे फिर काट देने जी, जब बाहर अपना फिर फिरा के टाइम काट ले जी, कोई रोटी दे दें कोई ना दे अल्लाह भला होंगे करे जी, या जब बाहर लम्बे सौंदे जी चादर ला के जी, और कोई आसरे नहीं जी, रब तो सुहा और कहता है कि फुटपाथ पर एक बुजुर्ग जो कि कुछ दिनों से यहीं पर सो रहा है और यहीं पर खा पी रहा है। आखिरकार मामला क्या है, हम जब आए देखा कि वाकई एक बुजुर्ग जो कि इस टाइम आप देख सकते हैं कि वो लेटा भी हुआ है। हम इनको जगा कर इनके जो मसाइल हैं इन्हीं से जानेंगे कि क्या मसाइल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है, उठो जरा, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाए। काफ़ी दिनों तो लोग भी कह रहे ने कि इतने बाबा जी बैठे रहते ने, की मामलात, इन्नी ठंड हैगी है, घर बार है कोई नहीं, किराए से मैं मकान नहीं ला देते, किराए से लेना किराया पूरा नहीं होता, लोग मेरे मकान खाली करा लेंगे ने। औलाद कितने गई, औलाद नहीं हैगी, औलाद शादियाँ की थी, औलाद 4 साल हो गए मैंने छोड़ दिया बच्चों ने, नहीं मेरा ख्याल करते, नहीं मैंने पूछते, नहीं दसते जी घर जाना तो नहीं, फिर मैं लाल लोट पे फिर घर देने जी। तो किन्ने दिन तू किन्ने टाइम हो गया तू इतने आते हुए, तो होर भी कितने तुम इन जी लम्बे पेंदे हो गए जी? अपना वक्त पास करना जी, दिन गुजारना, अल्लाह पास जो मर्जी चुक लवे जी करना है, हाँ जी, जब बाहर अपना फिर फिरा के टाइम काट ले जी, कोई रोटी दे दें कोई ना दे अल्लाह भला होंगे करे जी। मुंडे गए ने, दो मुंडे ने, दो कुड़िया ने जी, हाँ जी, मुंडिया ने ब्याह करा लिया, तो तहु घरों कटता? हाँ जी, मुंडे ने शादी कर दी थी, बेबी बीवी मेरी फौत हो गई थी, बच्चे मेरे आपो आप मेरे आप लादा हो गए ने, और ना मैंने कट दो, मेरा ख्याल नहीं करते जी, ना रोटी ना पानी ना कपड़ा ना जुती जी, तो मैं अपना बाहर मैं अपना वक्त गुजारता फिरना जी, कभी फुट पाल से सौ जाते जी, कभी फुटे ने सौ जाता जी, कोई लम्बा चपटा कोई रोटी दे जा। जी खा ले जी, पनीर दे दें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके अपना टाइम कटता जी। जी तो वो जब हमें कॉल आती है और हम आए बुजुर्ग के पास, कहते हैं कि औलाद ने घर से बेदखल कर दिया, शर्म आनी चाहिए यार, ये औलाद अगर ये हमारी वो वीडियो देख रहे हैं, डूब कर मर जाना चाहिए उन ऐसे औलादों को कि जो इस तरह बुजुर्ग एक सफ़ेद दाढ़ी पोश सफ़ेद पोश शख्स को घर से बेदखल कर दिया गया। टाइम हो गया तुम कटे हुए बेटे? 4 साल हो चले, घर वाले जो मरे उस मैंने बच्चा छोड़ दिता है। 4 साल तो 4 साल थी जी, मेरा कोई अल्लाह का नबी प्यारा प्यारा बंदा मैंने कोई नहीं टकरता पाया कि मैंने कोई किराए से मकान ला के दे दे, या बच्ची बेटी शादी में करनी है जी, कोई मेरी बेटी का कोई आसरा करा दे, मेरा फर्ज अदा हो जाए जी, मेरी जिंदगी का कोई नहीं पता, बुढ़ा बंदा जी 60-65 साल उम्र हो गई जी, कोई पता नहीं कदम मर जाना जी, तो बच्ची का और कोई आसरा नहीं जी, रब की सुभा, हाँ जी, इतने पै जाने कोई बच्चे को दे देता कोई नहीं देता जी, कोई 4 पैसे जुड़ता बच्चे ने कोई रोटी पानी ला जी तो खवा दी जी। तो रोड पर बैठते हैं, कोई अगर खाना दे जाए तो खा लिया, अगर ना दे जाए तो सारी रात भूखी, सर्दियों का सर्दियाँ हैं, हमें यहाँ पर बैठे कितनी ठंड लग रही है, और आखिरकार इनके पास एक चादर है, इस चादर से क्या गुजारा होगा, हम लोग घरों में जो बेडों पर और कंबले लेकर सोते हैं वहाँ पे हमें इतनी सर्दी उसके बावजूद लगती है, और ये तो एक कंबल है और ऊपर से एक बुज़ुर्ग है, कि इस तरह नहीं होना चाहिए, जो वालिदैन को इज़्ज़त एहतराम देना चाहिए, कि वालिदैन हर किसी के हर किसी को वालिदैन नसीब नहीं होते, कि जिस जिन बेटों ने इस तरह की हरकत की हुई है कि आखिरकार क्यों, क्या उन्होंने शादियां की, इन्होंने कमा के दिया, बड़े किया और उन्होंने इनको ही घर से बेदखल कर दिया, इस तरह नहीं करना चाहिए। कोई पैगाम देना चाहते हो साड़ी वाम लेते, तुसी ज़्यादातर कितने बैठे होंगे हो, अगर किसी ने कोई खिदमत करनी हो ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ 12 ਵਜੇ ਲੰਮੇ ਸੌਂਦੇ ਜੀ ਚਾਦਰ ਲਾ ਕੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਵਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੇ ਖਾਤਰ ਅਗਰ ਕੁਛ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਨੰਬਰ ਜਿਨਕਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ,
वो इनसे बज़रिया ख़ुद रابطہ कर सकता है, ना कि हमारे से, ना कि हमारे किसी नुमाइंदे से, इनसे डायरेक्टली रابطہ कीजिएगा, क्योंकि एक बुज़ुर्ग है और हम, मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है कहने के लिए। इसी के साथ अपने मेज़बान वाजिद को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।